आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ घेवर की। ये सावन की खास मिठाई है। ये मिठाई रक्षाबंधन पर लाई जाती है और बहुत ही टेस्टी, और ये मैं आज घर पर ही बनाऊंगी तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगी। और कैसे बनाना है चलिए देखते हैं इसको। और ये देखिए मैंने इसको कट किया, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रिस्पी है नीचे से, और इसका जो रबड़ी है वो भी बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, उसको बॉईल करेंगे हम अच्छी तरह। तो फुल क्रीम मिल्क ही लें अगर आपको रबड़ी बनानी है तो, और इसको चलाते रहें अच्छी तरह ताकि नीचे लगे ना। और साइड में मैंने दूसरे पैन में चाशनी बनाने के लिए रखा है पैन, तो ये मैंने 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डाला है, और इसकी हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे बस। तो इसको हम थोड़ा उबलने देते हैं और दूध को भी साथ में चलाते रहते हैं। चाशनी में भी बॉयल आ गया है तो इसको भी चलाते रहें। और अब हम इस चाशनी में 1/4 टीस्पून केसर के धागे डालेंगे, मतलब चुटकी भर। और ये देखिए ये अब हमारी तकरीबन हो गई है, इसमें देखिए 1 तार बन गया है। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये हो गई है हमारी चाशनी तैयार। और इस तरफ हमारा ये दूध बॉईल हो रहा है तो इसको भी साइड से हटाते रहें और इसमें डालते रहें। और अब ये मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर, इसमें मिलाएंगे धीरे धीरे करके। और अब इसको थोड़ा और थिक करने के लिए रबड़ी को हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा कम, और इसको अच्छी तरह से मिलाते रहें चलाते रहें। ये बॉईल अच्छी तरह इसमें आ रहा है और ये गाढ़ा भी होता जाएगा। ये देखिए पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। ये इस तरीके से इसको गाढ़ा करते रहें, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें क्योंकि ये रखने से भी गाढ़ा होता है और हमें फ्लोई कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर डाली है 60 ml के करीबन, और ये हमारी तकरीबन रेडी है। और इसमें अब मैं लास्ट में थोड़ा इलायची पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको उतार लेंगे, ठंडा कर लेंगे। हमारी रबड़ी परफेक्टली तैयार है। अब ये हमारी बन गई है रबड़ी, हम एक बाउल में निकाल लेते हैं इसको अलग से। और अब हम एक बाउल ले लेंगे बैटर बनाने के लिए इसका, घेवर का। हमें क्या करना है, देसी घी लेना है, बहुत अच्छी तरह गरम करना है उसको। और मैंने ये 4 टीस्पून देसी घी इसमें डाला है मेल्ट करके, खूब अच्छी तरह गरम होना चाहिए। और आइस क्यूब चाहिए, उसकी जगह मैंने ये कटोरी बाउल में जमा लिया था तो ये 1 ले लिया है पूरा। और इसको अच्छी तरह से इसको फेंटना है घी को, इसके साथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये इस तरीके से फेंटते फेंटते बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। इसका थोड़ा पानी निकाल दिया मैंने, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहें तो ये फ्लफ़ी सा वाइट हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए अब इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया है। अब हम आगे की प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 कप मैदा लेंगे और वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और ये मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है, बैचेस में एक साथ ना डालें, और अच्छी तरह मिलाते रहें। ये क्रम्बल सा एक मिक्सचर बन जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब हम 1 कप दूध लेंगे, बिल्कुल चिल ठंडा दूध लेना है, और इसमें मिक्स कर देंगे और फिर इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से, फेंटते रहें
अच्छी तरह मिलाते रहें इसको। अच्छी तरह से मिलाना है बहुत इसको। और अब ये चिल्ड पानी भी लेना है, पानी भी हमें एक कप लिया है मैंने पहले। इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एक साथ इकट्ठा ना डालें, बहुत पतला हो जाएगा नहीं तो। थोड़ा थोड़ा करके ये भी बैचेस में हमें डालना है। और ये जो लम्स हैं सारे इसके हटाने हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। अब मैं इसमें एक टीस्पून आटा डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये स्पून लिया है मैंने। और अब एक टीस्पून बेसन लेंगे और इसको भी इसमें मिला लेंगे अच्छी तरह से। और ये ठंडा चिल्ड पानी है, इसको थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएं और मिलाते जाएं, मिक्स करते जाएं। याद रखिए, जितना ठंडा आपका बैटर होगा उतना आपके घेवर अच्छे बनेंगे। ये देखिए, अब इस पानी को मैं पूरा डाल दिया है। एक कप पानी मैंने अभी यूज़ किया है। और बस मैंने थोड़ा सा एक चौथाई कप पानी और लिया है, इसमें डाल दिया और मिलाते रहें। बस ये रेडी है हमारा, बिल्कुल ऐसे फ्लोई बैटर होना चाहिए, थोड़ा सा जैसे डोसे वोसे का बनाते हैं। अब हम इसको छान लेंगे ताकि थोड़े बहुत जो लम्स रह गए हों वो उसमें ना जाए। बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा घेवर का बन के तैयार हो जाए। ये देखिए, ये हमारा बैटर अब बिल्कुल तैयार है। अब हम घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बनाना है। ये रेडी हो गया है। इसको थोड़ा फ्रिज में रख देते ठंडा करने के लिए। उससे पहले हमें एक चम्मच लेमन जूस, नींबू का रस भी डालना होगा इसमें, और उसको मिक्स करके थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे। चलिए अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं। चलिए अब घेवर बनाना शुरू करते हैं। हमें एक, मैंने कढ़ाई में पहले बनाना शुरू किया। सबसे पहले हमें घी को बहुत अच्छी तरह गर्म कर लेना है, गैस को फुल फ्लेम पे रखना है। और एक स्पून में बैटर लेकर हल्की लंबे ऊपर से धार डालनी है, बीच में, बिल्कुल कढ़ाई के बीच में। और स्पून से ऐसे बीच में जगह बनाते रहें ताकि इसमें एक छोटा सा होल बन जाए। इस तरीके से धार डालते रहें। उसके बाद उसको थोड़ा सा साइड से भी हमें छुड़ाते जाना है। घी को उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते रहें ताकि सब जगह से सिक जाए। इस तरीके से तैयार हो जाएगा ये। घी निकाल दीजिए इसका। अब मैंने पतीले में बनाया तो घी को फिर से अच्छी तरह गर्म करना है और उसी तरीके से धार डालनी है ऊपर से, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बीच में गैप बनाते हुए। और बीच में ही डालना है, बिल्कुल इधर उधर ना डालें। ये प्रोसीजर हमें कम से कम 12-15 बार करना है इसको, ऐसे धार डालने वाला। और उसके बाद स्पून से या किसी से नाइफ से उसको बीच में छोटा होल सा बनाते रहें। नाइफ से चारों तरफ से इसको छुटाते रहें ताकि ये छूट जाए। और इसको, और कलछी से इसको नीचे नीचे करना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह सिक सके। सिक जाए तो आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको निकाल लें, इसका ऑयल पूरी तरीके से निकाल कर। और बिल्कुल हल्के हाथ से निकालना है, बहुत सॉफ्ट होता है, नहीं तो टूट भी सकता है। ये इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। ये तैयार हो गए हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर इसके डेकोरेशन कर लेते हैं। इसमें रबड़ी वगैरह लगा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं। ये रेडी हो गए। देखिए कितना जालीदार बना है।
परफेक्ट बना है, बिल्कुल पहली बार ही बनाया है मैंने घर में, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा बना है। और ये हम लोग चाशनी अब इस पर डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी स्पून से चारों तरफ। इसको आप बिना चाशनी लगाए कई दिन तक, 15-20 दिन तक रख सकते हैं, फिर चाशनी वगैरह लगाकर और रबड़ी लगाकर उस टाइम हैंड टू हैंड इसको खा सकते हैं। चलिए अब रबड़ी भी चारों तरफ लगा लेते हैं इसके अच्छी तरह से। ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं मैंने इसमें, बादाम, काजू और पिस्ता थोड़ा अच्छी तरह से चॉप करके डाला, और ये थोड़े से रोज़ पेटल थे मेरे पास वो मैंने इसमें लगा दिए हैं। और वर्क लगा रही हूँ ये चांदी का थोड़ा। बस रेडी हो गया हमारा, अभी ज़रूर घर पे बनाइए, बहुत इजी है, लगता है बहुत मुश्किल काम है लेकिन बहुत ईजी है, एक बार शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। फर्स्ट टाइम भले ही ना बने बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बन जाता है ये देखिए। और घर का बना घेवर की बात ही कुछ और होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने टाइम निकालकर मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो, बाय।